टुगेदर साथे केशु प्रार्थना मुकम करोति वाचालम मंगुम लंगयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री या प्रज्ञा विल यू स्टार्ट विद द भजन। ओके ओके बट आई वांट आई रिक्वेस्ट हर मैं वीडियो ऑन नहीं करूंगी टुडे। ओके ओके सो आई विल जस्ट स्टार्ट। ओके श्योर। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण श्रीराम कंदर पगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटुपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नवमी जनक सुतावरम श्रीराम श्रीराम श्री किरीट कुंडल तिलक चारु दारंग विभूषण आजानुभुज शरचाप धर संग्राम जित खर दूषण श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण प्रभु दीन बंधु दिनेश दानव दमन दैत्य निक्रंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशज छंद दशरथ नंदनम श्री राम रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण श्री राम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल भंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण श्री राम थैंक यू एवरीबॉडी।
Beautiful, beautiful. Very well, sir. Sorry, but I forgot the lyrics. Beach ka bhool gayi. Mujhe actually, I know it by heart. So I was very confident about singing. Oh, but sur bahut very good, Pragya. Very good. Beautifully, sir. Yeah, yeah. Yeah. Beautifully, sir. Yeah. Bhagavad Gita, Adhyay 2, Sankhya Yoga. पिछली दफा हमने शुरुआत की, पहला श्लोक देखा और दूसरे श्लोक की शुरुआत की। कुतस्त्वं कश्मलम कश्मलम इदं विषमे समुपस्थितं अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुनम। कुतस्त्वं कहां से आ गई ये कश्मलम इदं, ये जो कायरता है तुम्हारे अंदर, ये गुण आया कहां से अर्जुन? तुम तो इतने वीर हो, और किस वक्त आया? जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी शुरवीरता की, उस वक्त तुझमें कायरता का भाव आ गया, कायरता का दुर्गुण आ गया। ये आ गया मतलब वो तेरा स्थाई भाव नहीं है, वो परमानेंट नेचर नहीं है, आगंतुक है, जो आता है और जाता है। मन में जैसे भाव आते हैं और जाते हैं, कई बार अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं और ये विश्व सारा हमें बहुत ही प्यारा लगता है, कभी नेगेटिव भाव आ जाते हैं और हमें लगता है जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। बट हमें इस वक्त बुद्धिपूर्वक समझना चाहिए, ये जो भाव है वो आते हैं और जाते हैं। जैसे अर्जुन के अंदर कायरता का भाव आ गया, भगवान कहते हैं बिल्कुल नहीं चलेगा तेरे अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो तेरा भाव है अर्जुन, वो अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकर, अकीर्तिकर है, अस्वर्गीय है और अनार्य है। अनार्य जुष्टम यानी क्या? जो आर्य व्यक्ति नहीं करते हैं वो, जो अनार्य करते हैं ऐसा भाव। व्हाट इज द डिफरेंस? ये शब्द हमने कई बार सुना है, आर्य और अनार्य। हमारी जाति का नाम, रेस का नाम भी आर्य है। अलग अलग तरीके की सोच है आर्य के विषय में, बट बहुत ही सिंपल तरीके से यदि हम देखने जाए तो आर्य इज वन हु इज सिविलाइज्ड। व्हाट इज सिविलाइज्ड? सिविलाइजेशन, ये शब्द की उत्पत्ति है द वर्ड सिविक के ऊपर से। सिविक यानी सिटी, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, वेल मैनर्ड, कल्चर्ड, एटिकेट्स, और जो वन में रहने वाले आदिवासी, जंगल में रहने वाले जंगली लोग हैं, ये दोनों में जो अंतर है वो अंतर आर्य और अनार्य के बीच में। आज हमारी जो जाति है, ह्यूमन बीइंग्स, होमो सेपियंस कहते हैं उसे बायोलॉजिकली, ये होमो सेपियंस 40,000 साल से पृथ्वी पर घूम रहे हमारी जाति। उसके पहले जो हमारा स्वरूप था वो था नियंडरथल, हिंसक थे वो, हमारे से काफी हिंसक। तो ये परिवर्तन आया कहां से? पीपल से इट वॉज इवॉल्व, बट इवॉल्व और ज्यादा बुरा भी हो सकता था। ये अच्छा इवॉल्व क्यों हुआ? और ज्यादा हिंसक हो सकती थी प्रजा, नहीं हुई। क्यों? क्योंकि किसी ने प्रयत्न पूर्वक इस जाति के ऊपर संस्कार किया। द डेवलप्ड सोल्स, हमारे ऋषि मुनि, द एनलाइटेंड वंस, जिन्हें सत्य की समझ आई, क्या सही है क्या गलत है, हमें कैसे जीना चाहिए, इस तरीके से नहीं इस तरीके से जीना चाहिए। ऐसे जो प्रगतिशील लोग थे, एनलाइटेंड लोग, हमारा सद्भाग्य कि ह्यूमन बीइंग अच्छे तरफ इवॉल्व हुआ और बुरा इवॉल्व नहीं हुआ। ये प्रगतिशील लोग जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो मनुष्य के तक प्रेम लेकर आए, ज्ञान लेकर आए और उसके अंदर एक अस्मिता जागृत की। हमारे अंदर बायोलॉजिकली हम भी एक एनिमल ही है, लेकिन हमारे अंदर जो हिंसक वृत्ति थी, जो पाशविक वृत्ति थी, वो प्रेम से निकाली उन लोगों ने। आज क्या फर्क है मनुष्य और पशु पक्षी? दो फर्क है। एक, पशु ज्यादा मूढ़ है, अज्ञानी है, उसकी बुद्धि विकसित नहीं है, और दूसरा उसका जो भाव है, इमोशंस, रिएक्शंस, ये सब हिंसक है। पशु हिंसक है, पशु मूढ़ है,
जबकि मनुष्य बुद्धिशाली है, मनुष्य अहिंसक है। ये अंतर आया कहां से? ये दोनों के अंदर हमारे ऊपर संस्कार हुए। ये जो हमारे ऋषि मुनि थे हमारे तक धर्म लेकर आए, और जितनी जाति तक धर्म पहुंचा वो सब सिविलाइज्ड हुए, वो सब आर्य कहलाए। कि आज शेर के सामने जंगल में यदि जाके खड़ा रहना है तो हमें डर लगता है, क्यों? कहीं हमें मार ना डाले, हम पे अटैक करेगा। लेकिन एक मनुष्य के सामने जब हम खड़े रहते हैं अननोन, तो हमें ये डर नहीं लगता है कि हमें मारने दौड़ेगा। ये अंतर है दोनों के अंदर। पशु के अंदर से जो पाश्विक वृत्ति थी वो निकाल दी और समझाया कि तू मनुष्य है। ये जो हमारी वृत्ति के ऊपर संस्कार हुआ, हमारे इमोशंस, हमारे भाव के ऊपर संस्कार हुआ, हमारे अंदर करुणा आई, हमारे अंदर दया आई, ये धर्म के कारण आई, विज्ञान के कारण नहीं आई है। मैं मनुष्य धर्म के कारण बना हूं। मेरी बुद्धि में विवेक डाला धर्म ने। व्हाट इज विवेक? राइट और रॉन्ग की समझ। हमें दर्पण दिखाए, ये देखो तीन या चार कुत्ते के पपीज होते हैं, उसके सामने एक बिस्किट का टुकड़ा डालो अगर वो भूखे है तो, भले सगे भाई बहन हो, वो चारों एक दूसरे को धक्का मार के एक बिस्किट के लिए झगड़ा करेंगे। ये पाश्विक बुद्धि। हक की बात करता है वो पशु, ये मुझे खाना है, ये बात करता है वो पशु। लेकिन मनुष्य, यदि तीन भाई बहन बैठे हो और कुछ खाना हो तो तीनों एक दूसरे को कहेंगे नहीं आप लोग, दूसरा कहेगा नहीं आप लोग। ये गिविंग ड्यूटी की बात, ये मनुष्य। हक की बात करता है वो पशु, मुझे ही चाहिए और किसी को मिलना नहीं चाहिए। शेर की पूंछ पे पैर रखो क्या होगा? या तो दहाड़ेगा या तो काटेगा आपको, फाड़ खाएगा वो आपको। मनुष्य ऐसा नहीं करता है। ये जो रिएक्शंस है हमारे, जो पाश्विक भाव था हमारे अंदर, जो हिंसा थी, हमारे भाव को शांत किया धर्म ने, हमारी वृत्ति को शांत किया, हमारी बुद्धि को, जो मूढ़ता थी पशु में। गाय हिंसक नहीं है लेकिन गाय मूढ़ है, भैंस मूढ़ है। बुद्धि तत्व नहीं है वहां पर, हमारी जो बुद्धि थी उसको खिलाया धर्म ने, विवेक हमें सिखाया और हमारे अंदर एक अस्मिता जगाई। व्हाट इज अस्मिता? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये समझाया हमें, ना हम पशु ना हम पक्षी, हम मनुष्य है। ना हम पशु है ना पक्षी है, हम मनुष्य है। ये बात ही हमारे अंदर की सेल्फ एस्टीम जगाती है। हमारे यहाँ मैं कई बार कहता हूँ, हमारे एक पड़ोसी है, वो हर 11 बजे उनकी खिड़की में कौवा आता है और वो रोटी का टुकड़ा देते हैं उनके। ये नियम है उनका। वो कौवा भी इतना चतुर है, उसे पता चल जाता है कि कितने बजे रोटी मिलेगी, आके बैठता है और वो रोटी देते हैं। मैं तो देखता ही रहता हूँ। अभी एक आध दिन रोटी नहीं बनी और वो काका कर रहा है तो लकड़ी से मार भी उड़ाया उसको, लेकिन तीसरे दिन वापस उधर ही आके बैठता है। उसके अंदर ये अस्मिता, अपमान, स्वमान, ये भाव अंदर नहीं। हम भी वैसे थे, लेकिन धर्म ने हमारे अंदर, मैं ये बात समझाई कि तू अन्य जैसा नहीं है, तू मनुष्य है। हमारे अंदर एक सेल्फ एस्टीम निर्माण की, आत्मसम्मान निर्माण किया, अस्मिता निर्माण की। ये जब हमारे अंदर डेवलपमेंट हुआ, बुद्धि में विवेक आया, भाव में करुणा दया पाश्विक वृत्ति गई, और अहंकार जो था वो आत्मसम्मान में परिवर्तित हुआ, अस्मिता में परिवर्तित हुआ। उसके बाद मनुष्य ने प्रगति की। आज की जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम देखते हैं, केवल यही बुद्धि की मनुष्य की अचीवमेंट नहीं है, हम वानर में से नर बने, ये सबसे पहली हमारी अचीवमेंट थी। और ये आई कहां से? धर्म के द्वारा आई। और ऐसा जो संस्कारी मनुष्य हुआ, जिसके ऊपर धर्म का संस्कार पड़ा, ये ऐसे मनुष्य को आर्य कहते हैं, जिसकी विचारने की पद्धति प्राणी जैसी नहीं है, जिसकी वाणी पशु जैसी नहीं है, जिसका वर्तन मनुष्य जैसा है। ऐसा जो व्यक्ति है उसे आर्य कहा गया। और ऐसा जो नहीं है, जो ऐसा सोचता नहीं है, जिसकी अस्मिता जागृत नहीं हुई है, वो पशु है। कुत्ता आता है रोज, आप उसे खाना देते हो, कभी दरवाजा बंद भी कर दो, उसे भगा भी दो, तो भी वो अपमान इतना ही होता है, दूसरे दिन वापस आएगा जब खाने का टाइम होगा। तो उसके अंदर अस्मिता ही नहीं है। हमारे अंदर मान अपमान का भाव है, हम ये समझते हैं।
अन्य कोई जीव ये समझता नहीं। ये धर्म की गिफ्ट है हमें, धर्म ने हमारे पर संस्कार किया, तब जाके हम डेवलप्ड कहलाए, प्रगतिशील कहलाया मनुष्य। और ये जो हमारा डेवलपमेंट है, ऐसा डेवलप्ड हुआ जो व्यक्ति है, उसे आर्य कहते हैं। और यहाँ पे अर्जुन क्या बात कर रहा है, मैं मेरा कर्तव्य नहीं करूंगा, ये अनार्य बात है। हाई आइडियल सेट किया हमारे सामने, आदर्श रखे कि तुम मनुष्य है, तुम इंसान है, तुझे ऐसे जीना है, ऐसे नहीं जीना है। ये जो हमारे सामने आइडियल्स रखे आर्य के सामने, उसके विपरीत सोच रहा है अर्जुन। वो स्वार्थ वृत्ति मैं नहीं करूंगा, क्यों, मेरे स्वजन है। लेकिन निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य करना वो भूल गया। वो कहता है मुझसे मेरा कर्तव्य होगा नहीं। अभी यदि हम हमारा कर्तव्य ना करें, निस्वार्थ भाव से कर्म ना करें, तो हमारा कल्याण कैसे होगा। अगर निस्वार्थ भाव से कर्म नहीं होगा, कर्म योग सिद्ध नहीं होगा, तो पुनः जन्म निश्चित है। तो ये जो सोच थी अर्जुन की, वो उसका कल्याण करने वाली सोच नहीं है। ये भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अनार्य जुष्टम। आर्य जो होता है, जो श्रेष्ठ होता है, द बेस्ट, आर्य इज एन आदर्श, एक आइडियल है हमारे सामने। आर्य व्यक्ति कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और जिस जगह पर आर्य लोग रहते, वो आर्यव्रत। इंडिया का नाम भारत पड़ा उसके भी पहले, अगर सबसे पुराना नाम है तो आर्यव्रत है। आर्यव्रत यानी जहां आर्य लोग रहते वो आर्यव्रत। और आर्य कैसा, एक आदर्श रखा, ये जो जिसके अंदर गुण है, और ये दुर्गुण जिसके अंदर नहीं है, वो आर्य जो अपना कल्याण सोचता है, जो मुक्ति की आकांक्षा रखता है, वो आर्य। जिसे समझ है कि मैं परम तत्व का एक अंश हूं, और ये जो मनुष्य देह मिला है उसका अध्याय क्या है, उसका अध्याय परम में विलीन होना है। ये कल्याण के हेतु से जो कर्म करता है निस्वार्थ भाव से, वो आर्य। इसके अंदर मोह उत्पन्न हुआ अर्जुन के अंदर, आर्य वृत्ति नहीं थी उसकी, अनार्य वृत्ति थी ये। इसके लिए भगवान कहते ये जो तू कर रहा है, आर्य वो ऐसे नहीं करेगा, वो कर्तव्य से दूर नहीं जाएगा। और ये तेरा भाव तुझे कल्याण भी प्राप्त नहीं कराएगा, तुझे मुक्ति भी नहीं दिलाएगा। तो ये एक कहा अनार्य जुष्ट। दूसरी बात कही अस्वर्ग्यम। ये एक बहुत बड़ा ही प्रचलित कॉन्सेप्ट है, स्वर्ग और नरक। एक भी धर्म ऐसा नहीं होगा जिसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मेजोरिटी रिलीजन्स ऑफ अर्थ जितने भी है, उसमें जो मुख्य है, सभी के अंदर स्वर्ग और नरक की ये कल्पना है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि आप बुरे कर्म करोगे तो आपको नरक प्राप्त होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। यदि कोई बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है और यदि उसे गलत करने से रोकना है, तो उसके साइक में, उसके मन में ये बात डालनी पड़ेगी, यह पृथ्वी पर तो तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, बट ये विचार कर कि जब तेरे देह का अंत होगा तब तेरी क्या गति होगी, तब तुझे नरक प्राप्त होगा और यातना सहन करनी पड़ेगी। इट वॉज अ मेंटल चेक। और लोगों को अच्छा काम करने के लिए यदि मोटिवेट करना है तो उनको अप्रिशिएट करो और कहो कि आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, जहां सभी प्रकार के सुख है, जो आप इच्छा करोगे वो सुख आपको प्राप्त होगा, और कोई संघर्ष ही नहीं है स्वर्ग के अंदर। स्वर्ग की कामना सबको क्यों है, क्योंकि वहां संघर्ष नहीं है, वहां पे कोई बीमार नहीं पड़ता, रोज सुबह उठ के काम पे नहीं जाना पड़ता, बच्चों को स्कूल या कॉलेज नहीं जाना पड़ता है, बहनों को किचन में नहीं जाना पड़ता है रसोई कर, जो इच्छा करते हैं सभी भोग उपलब्ध है वहां पर कोई संघर्ष ही नहीं है। संघर्ष नहीं है इसके लिए हमें लगता है वहां बहुत आराम है। पृथ्वी के ऊपर यदि कुछ भी इच्छा है हमारी, वो पूर्ण के लिए आपको पूर्ण करने के लिए कष्ट करना पड़ेगा। स्वर्ग में ऐसा नहीं, स्वर्ग में इच्छा करो आपको उपलब्ध है, जो सुख चाहिए सभी सुख उपलब्ध है। तो ये जो बात है स्वर्ग प्राप्त करने की, स्वर्ग कौन प्राप्त करेगा, जो अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग प्राप्त करेगा। जिसने अच्छे कार्य किए हैं जीवन में, उसके
अच्छे कर्म बंधे और उसको ये कर्म जब तक है तब तक स्वर्ग प्राप्त होगा, बट अर्जुन को ये कर्म करने से स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा। कोई व्यक्ति यदि अपना धर्म का त्याग कर दे तो वो अच्छा कार्य कैसे कहलाएगा, वो तो बुरा कार्य कहलाएगा। पर ये तेरा अच्छा कार्य भी नहीं है, सोच ले अर्जुन, कि तुझे स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा। तो ना ये आर्य व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, ना जिसे स्वर्ग की कामना है वो ऐसा करता है, और तीसरा अकीर्ति कर्म, कीर्ति यानी फेम, प्रसिद्धि, बहुत भयानक भाव है। एक बार मन में कीर्ति की अपेक्षा आ गई तो देखो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। अर्जुन को ये कीर्ति दिलाएगी, अपकीर्ति दिलाएगी। जैसे आज हजारों साल के बाद राम को जो जानते हो रावण को भी जानते हैं, लेकिन उससे राम को कीर्ति प्राप्त हुई, रावण को अकीर्ति प्राप्त हुई। वैसे ही महाभारत के युद्ध पर यदि युद्ध छोड़ के सोचो अर्जुन चला जाता तो जितने साल तक, जितने हजारों साल तक महाभारत रहती, भगवत गीता रहती, तब तक अर्जुन का नाम कायर में आता। ये अर्जुन नहीं सोच रहा है क्योंकि वो मोहग्रस्त है, लेकिन भगवान देख रहे हैं, भगवान सोच रहे, वो तटस्थ भाव से देख रहे। अर्जुन तेरा ये जो कार्य है यहां से पलायन होने का, वो जब तक ये भगवत गीता रहेगी तब तक तुझे अकीर्ति प्राप्त है। समझ रहे हैं जैसी बात चाहिए, क्योंकि हम उस क्षण के लिए सोचते हैं मैंने नहीं किया तो क्या होगा, नहीं करना है हमें, हम छोड़ देते हैं, लेकिन समाज देख रहा है, आने वाले कई साल तक, कई पीढ़ी तक उसका दृष्टांत दिया जाएगा कि इन्होंने ऐसा किया था। जीवन में सफल होना है, कीर्ति प्राप्त करनी है, कभी भी कर्तव्य का त्याग मत करो, हमारे हमेशा करो, कमिटेडली करो, ये जो करेगा उसको ही कीर्ति प्राप्त होगी। लेकिन कीर्ति का भी एक नशा है, संपत्ति से भी ज्यादा नशा है कीर्ति का। मैं एक संगीत सिखाने वाले टीचर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि आज के बच्चे जो संगीत सीखने आते हैं वो पहले से पूछते हैं मैं कब स्टेज शो कर सकूंगा, इवेंट में कब मैं पार्ट ले सकूंगा, मुझे प्रिपेयर कीजिए आप। वो बोला ये इवेंट में पार्ट लेने के लिए सारे गम सीखने आते हैं। सुर जो होता है वो सुर सीखना होता है, सुर शब्द आया स्वर के ऊपर से, इनको स्वर की व्याख्या नहीं खबर पता है। स्वस्मी रमयते इति स्वर, स्वस्मी यानी स्वयं में, रम यानी एनग्रोस्ड हो जाना, हो जाए, जो स्वयं को स्वयं के अंदर, कोई सच्चे हवा के लिए वो नहीं गाता है, स्वयं की शांति के लिए गाता है, स्वयं के मनोरंजन के लिए, स्वयं के आनंद के लिए सुर लगाता है, ऐसा वो सच्चा संगीत का प्रेमी। लेकिन ये कलयुग है, जो गलत बात है वही प्रस्तापित हो गई है। टीचर्स भी 5-6 पिक्चर के गाने सिखा देते, नाउ यू कैन सिंग इन द पार्टी, मन शांत हो गया, लोगों ने वाह वाह की मेरे, बट ये संगीत की साधना नहीं हो। आज की बात नहीं है ये, तानसेन भी इतना बड़ा गवैया, अभी उनकी ये गई इतनी गई तानसेन जी के, श्रेष्ठ गायक उनके समय के, नवरत्न में से एक, बादशाह अकबर के दरबार के, इतना सुंदर गाते थे वो, और बादशाह बहुत खुश थे उनके ऊपर, तानसेन जी के ऊपर। लेकिन एक दिन अकबर के मन में विचार आया, उसने तानसेन को कहा, तानसेन यदि आप इतना सुंदर गाते हैं तो आपके गुरु कितना सुंदर गाते होंगे, ये प्रश्न आया। तानसेन हंसने लगे, क्या बादशाह को जवाब दूं, वो जानते ही नहीं है, मेरे जो गुरु थे स्वामी हरिदास वो तो ऋषि तुल्य है, उन्होंने कहा मुझे आपके गुरु का संगीत सुनना है। तानसेन ने कहा असंभव, बादशाह के सामने कभी मेरे गुरु गाएंगे ही नहीं, हम तो चांस ढूंढते रहते हैं कब हमें राजा के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने गाने का मौका मिले जिसको गाना आता है, यहाँ पर हरिदास स्वामी बादशाह के सामने गाएंगे भी नहीं। लेकिन और उत्कंठ हो गई इच्छा जब मना किया तानसेन ने, तो अकबर ने कहा मुझे बताओ कोई युक्ति कैसे मैं सुन सकता हूँ। वो बोला उसके लिए आपको ये बादशाह का वेश निकालना पड़ेगा, और एक सामान्य
मनुष्य का वेश धारण करके मेरे साथ आना पड़ेगा। यदि बादशाह आदेश करेगा तो स्वामी हरिदास कभी नहीं गाएंगे। अकबर तैयार हो गए, उसने सादे कपड़े पहने एक कॉमन मैन के और तानसेन के साथ गया, और हरिदास स्वामी को तानसेन रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग दूर से आए, स्वामी जी कुछ सुनाइए। और हरिदास स्वामी ने अपना शिष्य था तानसेन, उसका मान रखकर बहुत ही सुंदर संगीत छेड़ा, अलौकिक सुर, इतने सुंदर सुर छेड़े कि बादशाह अकबर ट्रांस में चले गए क्षण के लिए, इतने लीन हो गए उस संगीत में कि भूल गए कि कुआ। तो अपने स्वभाव के मुताबिक, अपनी आदत के मुताबिक अकबर कह उठा, वाह वाह, मांगो क्या चाहिए, जो चाहे मैं दे दूंगा। और जैसे ही अकबर के ये वाक्य निकला मुंह से, इमीडिएटली हरिदास स्वामी समझ गए कि अकबर आया है, और बहुत ही क्रोधित होकर वहां से चले गए। अकबर और तानसेन भी वापस आ गए महल में, और अकबर ने कहा मैंने ऐसा संगीत सुना नहीं तानसेन, यू रिप्रोड्यूस दिस म्यूजिक, जो आपके गुरु ने गाया है ऐसा अलौकिक म्यूजिक मुझे सुनाओ। अकबर तानसेन ने कहा असंभव। अकबर ने पूछा क्यों असंभव है, एक सुंदर वाक्य कहा तानसेन, बिकॉज ही सिंग्स फॉर गॉड, आई सिंग फॉर दी। हरिदास ईश्वर के लिए गाते हैं केवल, मैं आपके लिए गाता हूं, एक बादशाह के लिए, जिसके बदले में मुझे पेट्रनेज मिला है। आप ये सुंदर वस्त्र देते हैं, अलंकार देते हैं, धन संपत्ति देते हैं, मैं एक राजा की इच्छा पूर्ण करने के लिए गाता हूँ, और जो मेरे स्वामी है केवल ईश्वर के लिए गाते हैं। ना इसे कीर्ति की अभिलाषा है, ना धन की, ना संपत्ति की, ना कोई पद की, ये अंतर है लौकिक म्यूजिक और अलौकिक म्यूजिक, इसके पीछे का भाव क्या है। हम स्वर की उपासना के लिए, साधना के लिए संगीत सीख रहे हैं, या कीर्ति के लिए, टू अटेन फेम। ये बात थी यहाँ पर, ये कीर्ति के लिए, जो सामान्य मनुष्य है, जिसको पृथ्वी पे संसार में रचा पचा है, उसको कीर्ति की अभिलाषा, उससे जो ऊपर होता है वो अच्छे काम करता है, स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए करता है। क्यों? उसे स्वर्ग की कामना है। और जो सबसे श्रेष्ठ है वो क्या करता है, वो अपनी मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए, ना स्वर्ग के लिए, ना कीर्ति के लिए, लेकिन मोक्ष के लिए काम करता है। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को तिष्ठ खड़ा करने के लिए सबसे पहले श्लोक में ही कह दिया कि ये कायरता है, तो ऐसा मत समझना तू संत है और बहुत अच्छी बात कर रहा है कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, मैं तेरी ये एक भी बात मानने वाला नहीं, ये तेरे जो अच्छे वाक्य है ये सबके पीछे तेरे कायरता का भाव है, और ये तेरी कायरता ना तुझे मुक्ति दिलाएगी, आर्य को शोभा देने वाली नहीं है, अनार्य है, ना तुझे स्वर्ग दिलाएगी और ना तुझे कीर्ति दिलाएगी, तो ऐसी कायरता का भाव तू छोड़ दे अर्जुन। ऐसा कहकर भगवान उसे डांटना शुरू करते हैं अर्जुन को दूसरे श्लोक में, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम अर्जुनम। तीन अस्वर्गीय है, अनार्य है, अकीर्तिकर है। यहां से आगे तीसरे श्लोक में भगवान यही भाव को आगे ले जाते हैं। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं, यदि आपके सामने है तो आप भी पढ़ लीजिए। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्व युपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। बहुत सुंदर श्लोक है ये, जो सेकेंड पार्ट है, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप, ये हमारे आंखों के सामने होना चाहिए। भगवान की छवि तो होनी चाहिए हमारे घर में, भगवान की मूर्ति तो होनी भी चाहिए, लेकिन भगवान के वचन भी हमारे आंखों के सामने होना चाहिए। मूर्ति की तरफ हम प्रेम भाव से देखते हैं, लेकिन भगवान के जो वचन है वो हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, मुझे करना क्या है ये करना है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप, हमारे हृदय के जो क्षुद्र भाव है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सभी ये भाव से ग्रस्त है। दो में से एक कॉम्प्लेक्स तो दिखते ही मनुष्य, या तो इंफीरियरिटी दिखता है या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखता है, और ये कॉम्प्लेक्स भी बहुत जबरदस्ती चीज है,
उसे बुद्धि से धन से कोई लेना देना नहीं है, इंसान स्वभाव है। एक भिखारी में भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, अब 2 रुपया दो, मैं 2 रुपया नहीं लेता हूँ, 10 की नोट रखो, उसका कुछ समझता है, भीख मांगता है, फिर भी मैं 2 रुपया नहीं लूंगा, 10 रुपया होगा तो ही मैं लूंगा। और बड़ा राजा धन संपत्ति से श्रेष्ठ व्यक्ति, उसके अंदर भी इंटीरियर का भाव हो सकता है, एक मेंटल स्थिति है ये दोनों कॉम्प्लेक्स। तो भगवान कहते हैं ये इंफीरियरिटी निकाल दे तेरे अंदर से, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, एक है ना कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी आ गई ना अर्जुन में, मुझसे नहीं होगा ये मैं कैसे करूं, ये जो भाव है उसके ऊपर प्रहार किया भगवान ने। क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ, क्लैव्यम यानी अगेन कायरता, रुपया विष्ट कश्मलम इदम और क्लैव्यम, ये क से शुरू होने वाले सभी शब्द कायरता का वाचक है। ये भाव निर्माल्यता, निर्बलता, मन की निर्बलता है, और मन में जब निर्बलता आती है तो शरीर में भी निर्बलता प्रवेश करती है, यदि मन टूट जाता है तो शरीर से कुछ नहीं होता है। तो ये जो निर्बलता का भाव है, निर्माल्यता का भाव है, क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ, उसको तू अपने अंदर आने मत दे। नहीं तत्व युपपद्यते, न एतत्वई उपपद्यते, 4 शब्द को एक करके ये शब्द बना है, न एतत्वई उपपद्यते, उपपद्यते यानी उचित नहीं है, योग्य नहीं है, तेरे अंदर ये कायरता का भाव आ जाए ये योग्य नहीं। और यहाँ पर पार्थ नाम का संबोधन किया है भगवान, पार्थ कौन, पार्थ अर्जुन, हम सभी पता है, सबसे ज्यादा यदि अर्जुन को किसी नाम से संबोधन किया है भगवान ने भगवद गीता में, वो पार्थ है। पार्थ क्यों कहते हैं, पार्थ यानी पृथा का पुत्र, वो पार्थ, कुंती जो थी वो पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी, शूर राजा की बेटी थी, पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी, इसके लिए उसका नाम पृथा पड़ा। फिर उसका पालन पोषण किया शूर राजा के मित्र कुंती भोज ने, कुंती भोज ने पालन पोषण किया उसका, उसे बड़े किया, इसके लिए उनका नाम कुंती पड़ा। कुंती का पुत्र कौन थे और पृथा का पुत्र पार्थ। जब पार्थ कहते हैं, जब अत्यंतिक उस पर स्नेह होता है भगवान को, तब वो पार्थ नाम से संबोधन करते हैं। कुंती जी उनकी बुआ थी, सगी बुआ थी कृष्ण भगवान की, वसुदेव और कुंती ये दोनों भाई बहन थे। तो जब अपना वो संबंध याद कराना होता है अर्जुन को, तब वो पार्थ नाम से पुकारते थे उसको, कि तू मेरी बुआ कुंती का पुत्र है पार्थ। और दूसरा शायद उसे वो स्मरण कराने के लिए, कि आज जो हम ये युद्ध के मैदान पे खड़े हैं, उसकी आज्ञा किसने दी तुझे, आपकी माता कुंती ने आज्ञा दी कि अर्जुन और भीम को कहो कि युद्ध की तैयारी करें। तो माता की आज्ञा पूर्ण करने के लिए भी आपको युद्ध करना पड़ेगा, आपके मनोभाव को साइड पे रखो आप, लेकिन कर्तव्य स्वरूप से, माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भी आपको ये युद्ध करना ही है। ये याद दिलाने के लिए भगवान कहते हैं, क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्व युपद्यते, आपके अंदर ये निर्बलता, ये निर्माल्यता आ जाती है, ये योग्य नहीं है, इस वक्त ये उठा के फेंक दे तू। शुद्रम दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, त्यक्त यानी त्याग करना, उत्तिष्ठ यानी उठ जा, ये जो रथ के मध्य में रोते हुए बैठ गया है तू, उससे तू उत्तिष्ठ हो यानी उठ जा, आपका जो ये भाव है क्लैव्य उसका त्याग कर और उठ के युद्ध कर। परम तप से याद, व्हाट इज परम तप, जो जिसने शत्रु है गुस्सा दिलाया है, ऐसा वो अर्जुन था। जब युद्ध मैदान में अर्जुन सामने होता है तो शत्रु क्रोधित हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, इसके साथ हम कैसे लड़े, ऐसा जो अर्जुन था उसे भगवान कहते हैं, ये तेरे अंदर जो ये कायरता का भाव प्रवेश हुआ है उसका त्याग कर और उत्तिष्ठ यानी खड़ा हो जा। त्यक्तोत्विष्ट परंतप शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हमारे सबके अंदर हृदय की शुद्रता कभी कभी आ जाती है,
किसी के अंदर लंबा समय रहती है, किसी के अंदर कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन ये हमें प्रयत्न पूर्वक निकालना है। जब लॉर्ड डेलहाउसी ने लॉस पास किया कि जिस भी राजा के पास संतान नहीं होगी तो वो एडॉप्ट नहीं कर सकेंगे, वो राज्य ब्रिटिश राज्य में विलीन हो जाएगा, तब कितने सारे लोगों ने विरोध किया, राजाओं ने विरोध किया, लेकिन एक के बाद एक किसी के नहीं चली ब्रिटिश के साथ। लेकिन झांसी के झांसी में से एक स्वर उठा, मेरी झांसी नहीं दूंगी। एक लेडी रानी लकी फेंक दी और कहा अपनी झांसी नहीं दूंगी ब्रिटिश को, युद्ध करूंगी, लड़ूंगी, मरूंगी, लेकिन मेरी झांसी सरेंडर नहीं करूंगी आपके सामने। राजस्थान में ही ऐसा हुआ, मेवाड़ में अकबर के सामने कितने राजपूत राजाओं ने संधि कर ली अकबर के साथ, लेकिन मेवाड़ में से, चित्तौड़गढ़ में से राणा प्रताप ने कहा हल्दी घाटी के युद्ध में आमने सामने आ जाएंगे, लेकिन शरणागति स्वीकार नहीं करूंगा मैं। ऐसे लोग थे जिन्होंने शुद्रम हृदय का भाव उठा के फेंक दिया था। अर्जुन तू भी उस वक्त भगवान कहते हैं ये जो भाव तेरे अंदर प्रवेश कर चुका है मुझसे नहीं होगा। हम सबके अंदर आता है, कई बार आता है, दिन में, सप्ताह में, महीने में एक आध बार तो होता ही हमसे, ये हमारे से नहीं होगा। व्हाट आर वी डूइंग विद आवर लाइफ, हमसे ये होगा कि नहीं होगा, ये भाव हमारे अंदर प्रवेश हो जाते हैं। और जैसे ही ये भाव आता है शंकाएं आने लगती है, डाउट्स आने लगते हैं कि हमारे से ये होगा कि नहीं। ये हमारे हृदय की दुर्बलता है, दुर्बलता हमें कायर बनाएगी। ये हृदय की दुर्बलता हमें भगवान को ये श्लोक में जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं वो हमें कह रहे हैं शूद्रम हृदय दौर्बल्य। हमारे अंदर ये जो मन के अंदर प्रवेश करता है से होगा, सब होगा, मनुष्य होगा, आज तक हम करके करते आए तो आज के आगे भी होगा। मेरे पहले भी हजारों लोगों ऐसे क्षय होगा, मुझसे भी, सारी दुनिया कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आई कैनॉट डू, ये महज एक भाव होता है हमारे मन का, और ये हमारे हृदय की दुर्बलता है। ये श्लोक पढ़ता हूं तब मुझे आश्चर्य होता है, 5,500 साल पहले भगवद गीता कही गई थी और उसमें हृदय का उल्लेख है। आंख, कान, नाक का उल्लेख हो समझ सकते हैं, दिखता है, बट उस वक्त क्या शस्त्रक्रिया करते थे, बाईपास सर्जरी करते थे, कैसे पता है कि सीने के अंदर एक हृदय भी होता है। शुद्रम हृदय दौर्बल्य, 5,000 साल पहले भी हृदय का उल्लेख है हमारे शास्त्रों के अंदर। तो इस प्रकार हमारे मन से निर्बलता का भाव निकालना है। ईश्वर ने जीवन दिया है, ईश्वर चलाएगा, मुझे केवल पुरुषार्थ करना है। भगवान ने पेट दिया है, वो पेट भरने के लिए सामग्री, साधन भी भगवान ने पृथ्वी में रखी है, मुझे पुरुषार्थ से केवल वो प्राप्त करनी है। जो पृथ्वी से जो अन्न उगता है मैं नहीं उगाता, भगवान उगाते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ पुरुषार्थ करना है, मुझे हल जोतना है, वो नहीं करूंगा तो भगवान नहीं देंगे। ये गेम है, भगवान की लीला है, मैंने तेरे लिए सब प्रबंध किया है, लेकिन प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न नहीं किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके लिए प्रारब्ध में हो ना हो इसके ऊपर सोचना ही नहीं है, भाग्य में है कि नहीं है ये सोचना ही नहीं है। क्यों? पुरुषार्थ इज कंपल्सरी, काम तो करना ही है, प्रारब्ध में हो के ना हो काम किए बिना मिलने ही वाला नहीं है, तो मैं क्यों सोचूं उसके ऊपर। काम करना 100% आवश्यक है तो उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कर्मण्येवाधि का रस्ते मा फलेषु कदाचन, फल प्रारब्ध के ऊपर निर्भर होगा नहीं तो नहीं होगा, लेकिन अच्छा फल प्राप्त करने के लिए भी मुझे काम करना पड़ेगा, खेत में हल जोतना पड़ेगा, तो ही पृथ्वी एक दाने में से 1,000 दाना देगी, वरना नहीं देगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रारब्ध एंड पुरुषार्थ, किसान समझो, ये हमारा जीवन हल चला के बिताना है हमें, और हम चलाएंगे क्योंकि हमारे अंदर
भगवत गीता का ज्ञान है और हम हृदय के अंदर ये भाव प्रवेश होने नहीं देंगे, दुर्बल भाव, शूद्रता का भाव, ये हमारे से ये नहीं होगा। हम कॉन्फिडेंस का भाव हमारे अंदर लाना चाहिए। सब लोग करेंगे और हम भी करेंगे। हम कायरता का, निर्माल्यता के भाव को प्राप्त मत हो। नई तत्व उपपद्यते, ये उचित नहीं है इस वक्त, जब शंख बन चुके हैं, युद्ध शुरू होने वाला है, उस वक्त तेरे अंदर कायरता का भाव आए, ये उचित नहीं है। शूद्रम, शूद्र यानी छोटा, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की जो दुर्बलता है, त्यक्तो तिष्ठ परंतप, उसे त्याग करके उत्तिष्ठ हो जा, तू परंतप है, कई युद्ध जीते हैं तूने, शत्रुओं को हराया है, शत्रुओं को तपाया है, आज भी तू युद्ध कर सकेगा। केवल ये मन का, ये जो दुर्बलता का भाव तेरे अंदर है, वो भाव तू निकाल दे तेरे अंदर से। तो यहां पर तीसरे श्लोक का हम समापन करते हैं। यदि दूसरे और तीसरे श्लोक के ऊपर यदि कोई विचार, यदि या कोई चर्चा आपके मन में आती हो, तो एक दो मिनट के लिए हम वो भी कर सकते हैं, या फिर हम चौथे श्लोक की तरफ प्रयाण करेंगे। एनी क्वेश्चंस? लेट अस मेक इट इंटरैक्ट। ठीक, चौथा श्लोक। भगवान ने दो श्लोक कहे, दो बात कही कि तेरे अंदर से ये कायरता का भाव निकाल दे। ये तू कैसे तेरे अंदर आ गई कायरता, ये दुर्बलता का भाव निकाल कर उठ जा और युद्ध करना शुरू कर। ये जब भगवान कहते हैं अर्जुन को, तो सहज अर्जुन के मुंह से ये बात निकल जाती है कि आप कहते हैं कि मैं कायरता का भाव का त्याग करूं, लेकिन चौथा श्लोक, अर्जुन उवाच, कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनम इशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारहार वरिसूदनम्। कथम भीष्म अहम संख्ये, संख्ये यानी युद्ध में, कथम यानी कैसे, युद्ध के अंदर मैं भीष्म और द्रोण इसके सामने मैं कैसे युद्ध करूं। मधुसूदन, मधुसूदन भगवान को मधुसूदन कहा गया है। मधुसूदन नाम के दैत्य को मारा भगवान, इसके लिए मधु के नाम के दैत्य को मारा, इसके लिए भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा। मधुसूदन कहकर भगवान को कहता है अर्जुन कि आपने दैत्य को मारा है, राक्षस को मारा है, और आप मुझे कहते हो कि मैं अपने गुरु और मेरे पितामह को मारूं, मैं, ये कैसी बात है भगवान। दैत्य को मारना आसान है, शत्रु को मारना आसान है, लेकिन स्वजन को, गुरु को, इसको कैसे मैं मार सकता हूं। कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, द्रोण और भीष्म को युद्ध के अंदर मैं कैसे मारूं। इशु भी प्रतियोत्स्यामि, ईश यानी हमने आगे देखा था जो बाण होता है उसे ईश कहते हैं। बाण लेके सामने युद्ध में कैसे करूं इन लोगों के साथ। पूजार हार वरी सूदनम, जिसका मुझे पूजन करना चाहिए उसको मैं भविष्य बाण लेकर मारू कैसे। आपने मारा है दैत्यों को मारा है, एक मधुसूदन, दूसरा शब्द आया अरिसूदन, अरि यानी भी शत्रु, अरिहंत, भगवान महावीर को अरिहंत कहते हैं, हंत यानी जिसको मारा है, अरि यानी शत्रु, एक बाह्य शत्रु होते हैं और एक हमारे अंदर शत्रु होते हैं। बाहर के शत्रु को मारना तो बहुत आसान है क्योंकि वो दिखता है,
लेकिन अंदर जो शत्रु बैठे हैं सब मेरे शत्रु हैं। तो जीवन में मुझे जो पीछे लेके जाते हैं, मेरे जो अच्छे संबंध है मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, इस संबंध तोड़ने का कारण ये सभी मेरे अंदर बैठे हुए शत्रु है। अरिहंत, ये शत्रु को जिसने मारा है वो अरिहंत, जो अजात शत्रु है। अरिहंत कौन? जो अजात शत्रु, जो कोई भी शत्रु नहीं, जिसने उसके बाह्य एवं आंतरिक सभी शत्रुओं के ऊपर जो विजय प्राप्त किया है वो अरिसूदन यानी शत्रु को मारने वाले, मधुसूदन यानी मधु नाम के दैत्य को मारने वाले भगवान। भगवान ये कैसी बात आप कर रहे हैं अर्जुन? फिर वही बात कर रहा है, स्टिल ही इज नॉट कन्विंस्ड। वो अपनी ही रट लगाए हुए है। भगवान ने दो बात कही, उसके सामने फिर जस्टिफिकेशन देना शुरू हो गया कि आपने तो दैत्यों को मारा है और मुझे आप कह रहे हो पितामह और गुरु को मैं मारू? हे अरिसूदन, ये कैसे संभव है? मुझसे जिससे मैंने धनुष्य बाण उठाना सीखा, उसी गुरु को उसी धनुष बाण विद्या से मैं मारू? जिस गुरु ने प्रण लिया था कि अर्जुन तुझे मैं श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, उस गुरु को मैं मारू? जिस गुरु ने अपने सगे बेटे अश्वत्थामा उससे ज्यादा विद्या मुझे दी, उसी गुरु को मैं मारू उसकी विद्या से? तो क्या मैं अनग्रेटफुल, कृतघ्न यानी ग्रेटफुल, कृतघ्न घ आता है पीछे, कृतघ्न तो अनग्रेटफुल, तो मैं क्या अनग्रेटफुल नहीं हूं? डेफिनेटली मुझे अनग्रेटफुल लोग कहेंगे। ब्रह्मास्त्र सबसे पावरफुल वेपन, आज के एटम बॉम्ब की तुलना आप कर सकते हो ब्रह्मास्त्र से। ब्रह्मास्त्र कैसे चलाना अश्वत्थामा को सिखाया था अपने बेटे को, लेकिन उसका उपसंहार वो केवल अर्जुन को सिखाया था, अपने बेटे को भी नहीं सिखाया था। उपसंहार यानी उसे कैसे शांत करना, उसे कैसे वापस लेना, जब अपना टारगेट हिट करके आता है तभी उसका एंड कैसे करना, उपसंहार केवल अर्जुन को सिखाया था। छोड़ना सिखाया था इसको अश्वत्थामा को भी। ये कैसी बात हो गई? आप एरोप्लेन सीखने गए और आपके टीचर्स नीचे कैसे लाने का वो नहीं सिखाया अभी तक, और आप एरोप्लेन लेके चले गए। यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग इट डाउन, खाली ऊपर उठाना सिखाया, ऐसी बात है। ब्रह्मास्त्र छोड़ना सिखाया था अश्वत्थामा को, जिद की होगी उसने भी, अर्जुन को सिखाया मुझे क्यों नहीं सिखाया? छोड़ना सिखाया लेकिन उसका उपसंहार, उसको एंड कैसे करने का, शांत कैसे करने का, वापस कैसे लाने का, ये केवल अर्जुन को सिखाया था भगवान द्रोणाचार्य जी। इसके लिए जब पांडव बीच के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ता है अश्वत्थामा ईर्ष्या से, तब उसे अटकाने के लिए उसका टारगेट हिट कर दिया और उत्तरा की कोख में जो पांडव का आखिरी जीव था परीक्षित, उसके ऊपर जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उसको रोकने के लिए, उसे वापस कैसे लेना उसे पता ही नहीं, कितना महाभयानक विनाश वो कर। बट कहने का अर्थ है, जिस गुरु की मुझ पर इतनी कृपा थी, अर्जुन कहता है, उस गुरु को मैं उसके ही सिखाई विद्या से मारू? जिस पितामह भीष्म ने गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया कि मेरे बच्चों को सिखा, जिसने कभी भी पांडव और कौरव में भेद नहीं किया, एक समान रखा है सबको, छोटे से बड़ा किया, उसकी हत्या मैं कैसे कर सकता हूं? यदि मैं करूं तो मैं कृतघ्न नहीं हूं। सही बात है अर्जुन की, हम सोचेंगे, हमें भी मन में विचार आता है, ये कितना बड़ा द्वंद्व है अर्जुन के सामने। परिवार का रक्षण करना बेटे का धर्म होता है, तो मेरे बेटे का धर्म मैं अदा करूं, मेरे परिवार की रक्षा करूं, कि मेरा क्षात्र धर्म अदा करूं? एक योद्धा और युद्ध छिड़ने वाला है तो मेरे पक्ष के तरफ से शत्रुओं को मारूं कि मेरे परिवार को मारूं? इतना बड़ा द्वंद्व है अर्जुन के सामने। हमारे लाइफ में आने वाले तो बहुत छोटे हैं इसके आगे, फिर भी हम हिल जाते हैं, रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, नहीं कहने का कहते हैं, नहीं करने का कर देते हैं। जब भी ऐसी दुविधा आए
तो आपके सामने अर्जुन को लेकर आओ, अर्जुन की दुविधा के सामने हमारी दुविधा तो कुछ भी नहीं है। शेक्सपियर ने भी यही बात की, टू बी और नॉट टू बी, ये दुविधा। ऐसे तो कितने हमारे जीवन में आते रहते हैं, तो उसी में से रास्ता करना है, विवेक बुद्धि के द्वारा, राइट और रॉन्ग की समझ के द्वारा, ईश्वर से संलग्न होकर मन में ईश्वर को बसाएंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा, अर्जुन की तरह निर्मल होगा, और निर्मल मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होगी वो भी निर्मल होगी, सात्विक इच्छा होगी, हमारे कर्म भी सुंदर हो जाएंगे, सभी द्वंद्व से ऊपर हो जाएंगे। आगे सांख्य योग में आएगा, दो प्रकार की दुविधा है, एक मोह कलिलम सांसारिक मोह, और दूसरा श्रुति विप्रपति शास्त्रों का मोह, ये शास्त्र ये फॉलो करूं कि ये फॉलो करूं, ये दोनों का तुझे त्याग करना पड़ेगा। अभी तुमने संसार से तो मुक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन शास्त्र की माया जाल में उलझ गए, द्वैत फॉलो करोगे अद्वैत, द्वैत के अंदर भी शुद्धाद्वैत के द्वैतवाद्वैत के विशिष्टाद्वैत, ये जो सारा माया जाल है, ये एक संसार की माया जाल, दूसरी श्रुतियों की माया जाल, ये दोनों द्वंद्वों का त्याग करके तुम मेरे शरण में आ। बात सांख्य योग में, लेकिन उसमें भी भक्ति तो आती है, और वहां से स्थित प्रज्ञ अवस्था के श्लोक शुरू होते हैं, प्रकरण शुरू होता है, आगे आएगा सांख्य योग के अंदर। थे कि उसे ये द्वंद्व में से बाहर निकालने के लिए साक्षात भगवान कृष्ण उपस्थित थे। हमारे जीवन में कोई कृष्ण नहीं, इसके लिए हमें भगवत गीता का सहारा लेना चाहिए। यदि रेगुलरली हम पढ़े भगवत गीता तो कहीं ना कहीं मार्ग दिखता रहेगा। ये तो हर सप्ताह गीता जयंती है नियमित, इतने महीनों से हम गीता जयंती सेलिब्रेट करते रहते हैं, और यही सही चीज है। साल में एक बार गीता पढ़ेंगे और 364 डेज चढ़ा देंगे शोकेस में, जहां से निकाली थी उधर रख दी वापस, ऐसा नहीं होना चाहिए। सातत्य पूर्वक उसका पठन होना चाहिए, जैसे लाइट हाउस एवरी नाइट शिप्स को रास्ता दिखाती है अंधेरे, वैसे नियमित भगवत गीता हमारे जीवन में प्रकाश डालती रहे। जब भी मन में द्वंद्व उत्पन्न हो, रिफर टू भगवत गीता। भगवान कृष्ण तो नहीं आ सकेंगे हमारे सामने, ऐसा रिफर टू भगवत गीता, नियमित आप पढ़ो भगवत गीता, मार्ग दिखेगा हमें इसके अंदर से, कैसे इन द्वंद्वों से ऊपर उठे हम, कैसे हमारे हृदय की दुर्बलता दूर हो जाए, और कैसे हम जीवन युद्ध करने के लिए उत्तिष्ट हो जाए। जीवन जैसा युद्ध और बड़ा कोई भी नहीं है, मनुष्य जीवन जैसा हमने ही निर्माण किया है, उसे कॉम्प्लेक्स बना दिया है जीवन को हम, और इसे प्रगति कहते हैं। सरलता को निकाल दी और उलझा दिया अपने आप को हमारे रचे हुए माया जाल में, और इसे प्रगति कहते हैं। एनीवेज आज 10:30 हो गए, तो यहाँ पर चौथे श्लोक पर हम समापन कर रहे सांख्य योग का, वो प्रार्थना करें, फिर यदि कुछ डिस्कशन या क्वेश्चंस हो तो वी कैन कंटिन्यू। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। जय श्री कृष्ण। यहाँ पर सत्संग का समापन करते हैं। यदि कोई चर्चा या प्रश्न हो तो वी कैन कंटिन्यू, अदरवाइज दोज़ वांट टू लीव कैन लीव।